The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों ये चैनल है आपका और इसमें आपको मिलता है मेडिकल एजुकेशन, ऑथेंटिक वेरीफाइड। यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से सारा डाटा लिया जाता है, आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाया जाता है। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में प्री एक्लैम्प्सिया कहते हैं। बहुत जरूरी जानकारी, हर लेडी हर औरत को इस बारे में ज्ञान होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे के हेल्थ के लिए खतरा भी बन सकता है। तो ये क्या चीज है प्री एक्लैम्प्सिया? ये तब होता है अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई हो और साथ में लिवर और किडनी डैमेज के कोई साइन दिखे 20 हफ्ते के बाद, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाद में नहीं हो सकता, ये ज्यादातर तो इस टाइम में हो जाता है, लेकिन कई बार ये बच्चे के डिलीवरी के बाद भी पाया जा सकता है। बच्चे के डिलीवरी के बाद 48 घंटे में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसे पोस्टपार्टम प्री एक्लैम्प्सिया कहते हैं। सो क्वाइट फ्रेंकली इसको जो माना गया है कि ये इस केस में होता यह है कि बच्चे दानी जो के अंदर जो प्लासेंटा होता है, ये प्लासेंटा के थ्रू ही बच्चे को खून जाता है, न्यूट्रिशन जाता है, और प्लासेंटा में प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वहाँ के ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो बच्चे को सही मात्रा में खून नहीं मिलता और ऐसा लंबे समय तक होने पर बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। ये प्रॉब्लम होता है प्री एक्लैम्प्सिया में। इसका कारण एग्जैक्ट कोई एक रीज़न पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन हर 100 में से 3 से 7 प्रेगनेंसीज में ये प्रॉब्लम होंगे। तो 3 से 7% लोगों को ये प्रॉब्लम होंगे, इतनी कॉमन है ये प्रॉब्लम। और ये प्लासेंटा में ही शुरुआत होती है। कई फैक्टर्स हैं कि जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, जैसे कि अगर आपकी डाइट ख़राब है, आपकी जीन्स में है, आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ब्लड वेसल में प्रॉब्लम है, आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आपको पिछली प्रेगनेंसी में भी प्री एक्लैम्प्सिया हुआ था, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन्स है, आपके फैमिली में किसी को प्री एक्लैम्प्सिया हुआ है, आप मोटे हैं, आप 35 साल से उम्र ज़्यादा है और प्रेग्नेंट है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी प्रॉब्लम है, तो इन सब प्रॉब्लम्स में आपके प्री एक्लैम्प्सिया होने के, ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और सिम्टम क्या होंगे? देखिए, ज़्यादातर औरतों को, वीमेंस को, प्रेगनेंट लेडीज़ को हाई ब्लड प्रेशर होने पर कुछ सिम्टम नहीं होते, बिल्कुल बीमार जैसा महसूस नहीं होता। होगा क्या, पहले क्या होगा, पहले उनके हाथों में, उनके फेस में, आईज में सूजन आनी शुरू होगी, एडिमा होगा। याद रखिए, प्रेगनेंसी में पैरों में थोड़ी सूजन आनी, एंकल्स में आपके थोड़ी सूजन आनी कॉमन है, क्योंकि बड़ा सा आपका यूट्रस होता है, पैरों से ऊपर लाने वाली खून की नस को दबाता है, तो ऊपर लाने वाली आईवीसी दबती है, तो नीचे थोड़ा बहुत पानी जमा हो सकता है, पैरों में सूजन आ सकती है, हाथों में, फेस पे, आईज पे नहीं, वहां प्रॉब्लम है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। और दूसरा साइन होता है इनिशियल स्टेज में कि आपका सडन वेट गेन होता है, 1 से 2 दिन में ज्यादा वजन गेन हो जाना, या हफ्ते भर में 1 किलो से ज्यादा वेट गेन हो जाना, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और साथ में अगर ये चीज बढ़ती जाए तो सिवियर प्री एक्लैम्प्सिया में फिर आपको मेजर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सर में दर्द, बहुत ज्यादा सर में दर्द, तो जा ही नहीं रहा, कम ही नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम, पेट में दर्द हो रहा है, कई बार किसी को लगता है राइट शोल्डर में पेन है, या हार्ट मेरा पता नहीं गैस हो रही है, गॉल ब्लैडर का दर्द है, कोई बच्चा तो नहीं, बच्चा लात मार रहा है, ऐसा भी लगता है लोगों को, पेशाब कम आने लगती है तो प्रॉब्लम है, अगर आपको उल्टी और उपकाई आने लग जाए तो वो भी एक सोचने वाली और ट्रबलसम साइन है, वो भी अच्छा साइन नहीं है। कईयों को इतना बढ़ जाता है कि विजन प्रॉब्लम आ जाते हैं, आंखों के सामने लाइट, आंखों के स्पाइन में सॉस स्पॉट्स आने लग जाए, फ्लैशेस आने लग जाए, आंखों की सेंसिटिविटी बढ़ जाए आपकी लाइट से, ब्लरी विजन हो जाए, इवन चक्कर और बेहोश तक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए लगातार तो, राइट। सो टेस्ट कराने ज़रूरी, अपने डॉक्टर के पास रेगुलर जाना ज़रूरी, रेगुलर जाते हुए ब्लड प्रेशर चेक कराएं। ज़्यादातर अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90, 140 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा रहता है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। अगर आपके हाथ पैर में स्वेलिंग है, वजन बढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम।
सो आपके टेस्ट होने चाहिए. क्या टेस्ट? यूरिन टेस्ट. यूरिन में प्रोटीन देखो, प्रोटीन यूरिया. प्रोटीन आ रहा है तो किडनी डैमेज हो रही है. आपके लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, लिवर डैमेज हो रहा है. प्लेटलेट काउंट बढ़े हुए हैं, ब्लड में डैमेज हो रहा है, वहीं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है. आपके अंदर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा, किडनी में प्रॉब्लम दर्शाएगा. अगर आपके अंदर और भी चीज़ें देखी जाती है, जैसे आपके अंदर ब्लड क्लॉट कितना आसानी से होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स तो नहीं खराब, वो भी लिवर की बीमारी दर्शाते हैं. और बच्चे की हेल्थ देखनी बहुत ज़रूरी है. बच्चे का प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, बच्चे का नॉन स्ट्रेस टेस्ट और अदर टेस्ट, दूसरे टेस्ट से हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा कैसा कर रहा है, कैसे जी रहा है, अंदर वूम के अंदर सही मात्रा में उसकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, उसकी धड़कन कैसी है, कोई डिस्ट्रेस तो नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, राइट? क्योंकि पहला साइन जहां पर भी बच्चे पे डिस्ट्रेस दिखा, आपका टिकटॉक घड़ी शुरू, बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकालना पड़ेगा. बिल्कुल, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, राइट? और ये बात याद रखिए, जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी से पहले ब्लड प्रेशर थोड़ा लो रहता था, या प्रेगनेंसी से पहले और उनका बाद में बढ़ गया, बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनको और ज्यादा क्लोजली देखना जरूरी है. प्री एक्लैम्शिया उनको जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, सिवियर हो जाता है. सो ट्रीटमेंट यही है कि प्री एक्लैम्शिया ठीक हो जाता है बहुत ज्यादा केसेस में, ज्यादातर केसेस में बच्चे के पैदा होने के बाद जब प्लेसेंटा निकल जाता है, प्री एक्लैम्शिया भी ठीक हो जाता है, माता का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है. लेकिन कुछ केसेस में ये उसके बाद भी परसिस्ट कर सकता है, या इवन उसके बाद चालू हो सकता है, जैसा हमने बताया 24 घंटे के अंदर पोस्टपार्टम प्री एक्लैम्शिया. ज्यादातर केसेस में अगर आपका गर्भ 37 वीक्स से ज्यादा का है, उतना है, तो फिर आपका बच्चा उतना डेवलप हो चुका है जितना कि वो बच्चा बच्चेदानी के बाहर खुद सर्वाइव कर पाएगा, हेल्दी रह पाएगा. तो इसीलिए 37 वीक्स में अगर आपको प्री एक्लेम्शिया के कोई भी साइन आ रहे हैं, डिलीवरी पहले करा ली जाती है. ऐसे केस में आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाएं देते हैं लेबर में, लेबर पेन ट्रिगर करने के लिए, या फिर आपका सी सेक्शन करने का ऑप्शन भी होता है, राइट? और अगर आपका बच्चा उतना डेवलप नहीं है, माइल्ड प्रॉब्लम है, तो फिर आपको घर पे मैनेज किया जा सकता है. रेगुलर विजिट किए जाएंगे, डॉक्टर आपका रेगुलर मॉनिटर करेंगे. ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर की दवा भी खानी पड़ सकती है. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्री एक्लेम्शिया के जो साइन सिम्टम्स हैं, सिवियरिटी है, तुरंत बढ़ते हैं, इसलिए रेगुलर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है. कंप्लीट ब्लड रेस्ट की जरूरत अब नहीं बताई जाती है, कंप्लीट ब्लड रेस्ट नहीं करना है, लेकिन रेगुलर चेक कराना है. अगर आपको प्री एक्लेम्शिया ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, सिवियर हो रहा है, तो हॉस्पिटल में भी एडमिट कर सकते हैं. हॉस्पिटल में फिर आपके बच्चे की आपकी खुद क्लोज मॉनिटरिंग हो सकती है, दवाएं दी जा सकती है, आपको प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया बनने में उसको प्रिवेंट किया जा सकता है. एक्लेम्शिया में आपको दौरे भी पड़ सकते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम. और अगर बच्चा मैच्योर नहीं है तो बच्चे को स्टीरॉयड इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं एडमिशन के बाद. अगर बच्चा 34 हफ्ते का है, के अंदर है, नीचे है, तो उससे क्या होता है, इंजेक्शन से उसके बच्चे के लंग्स के फेफड़ों की डेवलपमेंट बढ़ जाती है, जिससे कि वो बाहर आके सांस ले पाए, राइट? बहुत सारे फैक्टर है इसमें. बच्चे की डेट की डिलीवरी की डेट क्या आने वाली है, बच्चा कैसे कर रहा है, आपकी बीपी, आपके साइन कैसे है. लेकिन पहला साइन जो भी आपको, बहुत सारे अगर साइन दिख रहे हैं सिवियर प्री एक्लेम्शिया के, तो आपको डिलीवरी जल्द से जल्द करा लेनी चाहिए. कौन से साइन है? अगर आपका बच्चा सही से ग्रो नहीं कर रहा, डिस्ट्रेस हो रहा है, या अच्छे से उसको ब्लड ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, अगर ये एक कारण. दूसरा, अगर आपका डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर 110 या 100 से ऊपर रह रहा है लगातार 24 घंटे से ऊपर, अगर आपका लिवर किडनी के फंक्शंस खराब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर में दर्द, पेट में दर्द, सीजर, बहुत ज़्यादा आपके फेफड़ों में पानी भरने लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, पेशाब ही नहीं आ रहा, यूरिन में बहुत प्रोटीन आ रहा है, किडनी सही से काम नहीं कर रही, तो इट्स टाइम फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर आपको डिलीवर कराना पड़ेगा. सो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, डॉक्टर के सारी बातें माने, रेगुलर डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपने प्रेगनेंसी रिलेटेड विटामिंस, न्यूट्रिशन, सारी बातें, वेट हमेशा चेक करें, बच्चे का चेकअप रेगुलर कराएं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये हुई बात दोस्तों प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की. आई होप आप इसे आपको इससे फायदा होगा. शेयर करिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद. आई एम डॉक्टर परमजीत. ऐसे वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सबको बताइए. आई एम डॉक्टर परमजीत. स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी.